हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप पर। तो आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टॉपिक, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप तथा टंकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टर्न। पाइप तथा टंकी, ये कॉन्सेप्ट है अपना, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। इस पे आप सीखेंगे कैसे, मतलब जैसे मान लो कुछ पाइप्स वर्क कर रही है, कुछ टंकी को भर रही है, कुछ पाइप खाली कर रही है, तो कितने समय में टंकी भरी जाएगी या खाली होगी, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पहले क्वेश्चन से। पाइप एंड सिस्टर्न का अपना पहला क्वेश्चन ये है, इससे अपने इस पाइप एंड सिस्टर्न का कंप्लीट कॉन्सेप्ट वगैरह सब समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भरते हैं, तो दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? तो दो पाइप दिए हूँ आपको, एक 3 घंटे में भर रहा है और एक 4 घंटे में। जब दोनों पाइप एक साथ लगा दी जाए तो टैंक को ये कितने समय में भरेंगे? तो इस प्रकार क्वेश्चन को अपने कैसे सोल्व करते हैं, जैसे फर्स्ट पाइप है वो कंप्लीट भरती है आपके टैंक को 3 घंटे में, ठीक है, और सेकंड पाइप टैंक को भरती है 4 घंटे में। फर्स्ट पाइप 3 घंटे में और सेकंड पाइप 4 घंटे में। जब ये कंप्लीट टैंक को 3 घंटे में भरती है तो ये 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट भरेगी? 1 घंटे में भरेगी 1/3 पार्ट। इसी प्रकार सेकंड पाइप जो 4 घंटे में भरती है वो आपकी 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगी? 1/4 पार्ट। ये 1 घंटे में 1/3 पार्ट भरेगी और ये 1 घंटे में 1/4 पार्ट टैंक का भरेगी। अब इन दोनों को अपने ऐड करते हैं, दोनों मिलकर टैंक का 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगी? तो ये आ गया 12। इसका एलसीएम ले लिया अपन ने, एलसीएम निकाल के डायरेक्ट कर लेंगे, ये हो गया 7/12 पार्ट। 7/12 पार्ट भरेगी और कंप्लीट टैंक को कितने घंटे में भर देगी? 12/7। एक सही 5/7 घंटे में, एक सही 5/7 घंटे में ये कंप्लीट टैंक को भर देगी। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको कुछ एक पाइप और दी गई है, जैसे ये पाइप ए है जो 3 घंटे में भर रही है, पाइप बी 4 घंटे में इसको भर रही है, एक आपको पाइप सी और दी गई है, मान लो ये टैंक को 2 घंटे में खाली करती है, यानी कि ड्रेन करती है, कंप्लीट भरी हुई टैंक को ये 2 घंटे में खाली कर रही है। तो अब अपने देखते हैं, अगर मान लो ये तीनों पाइप एक साथ चलाइए तो टैंक कितने घंटे में आपका कंप्लीट फिल होगा या भरा जाएगा? तो इसके लिए देखते हैं ये 1 घंटे में कितना पार्ट खाली करेगी, 1/2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अपने को 1/3 + 1/4 इनको ऐड इसलिए किया था क्योंकि दोनों इस टैंकी को भर रही है। अब आपको एक टैंकी, एक पाइप और आगे जो इस टैंकी को खाली कर रही है, तो उस कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, इसको अपने माइनस करेंगे। इसको जब माइनस करेंगे तो इन सब का एलसीएम आपका निकल कर आ जाएगा 12। आपका एलसीएम आ गया, अब ये हो गया 4 और ये हो गया 3 और माइनस कर देंगे 6, यानी कि हर घंटे में पहली जो पाइप है वो 4 पार्ट भर रही है टंकी का, दूसरी पाइप 3 पार्ट भर रही है और जो तीसरी पाइप है वो 6 पार्ट टैंक का खाली कर रही है। तो यानी कि 1 घंटे के अंदर 7 पार्ट तो ये दोनों मिलकर भर रहे हैं और 6 पार्ट वो खाली कर रही है, यानी कि हर घंटे में टैंकी का सिर्फ 1 पार्ट भरा जा रहा है। टैंकी टोटल क्वान्टिटी अपने 12 यूनिट मान के चल रहे हैं, तो 1 यूनिट 1 घंटे में भरा जा रहा है, तो 12 यूनिट भरने में उसको कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। ये लिख देंगे अपने, 1/12 यूनिट भर रहा है 1 घंटे के अंदर, तो कंप्लीट भरने में उसको लगेंगे 12 घंटे का समय। अगर मान लो तीनों पाइप एक साथ चलाई जाता है तो ये टैंक 12 घंटे में आपका भरा जाएगा। तो ये तो है कंप्लीट इसका पाइप एंड सिस्टर्न का कॉन्सेप्ट। ये सब सेम वही है जो अपने टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं, सेम उसी पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। बस इसके अंदर जो आपके उसमें मजदूर वगैरह आ रहे थे या दिहाड़ी वगैरह आ रही थी, उसकी जगह आपके पाइप्स एंड सिस्टर्न आ गए। उसके अंदर जैसे आपके 2 पर्सन मिलकर कुछ काम को कंप्लीट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इसके अंदर जो आप उसको पाइप को ले लेंगे, तो ये इस प्रकार अपने सोल्व हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं और क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, दो पाइप एक टैंक को क्रमशः
8 घंटे व 16 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरी पाइप टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकती है। अगर तीनों पाइप एक साथ चला दी जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? तो इसको अपने कैसे देखेंगे, जैसे आपको तीन पाइप्स दी गई है तो पाइप वन है जो वो 8 घंटे में टैंक को कंप्लीट भर रही है, पाइप टू है जो टैंक को 16 घंटे में भर रही है, मतलब इन दोनों से प्लस हो रहा है यानी कि टैंक भरा जा रहा है और मतलब इन दोनों से प्लस हो रहा है टैंक भरा जा रहा है। अब आपकी पाइप जो थ्री है वो क्या कर रही है, इसको 24 घंटे में खाली कर रही है यानी ये माइनस कर रही है 24 घंटे में, 24 घंटे में टैंक खाली हो रहा है। अब देखेंगे अपने तीनों से एक क्वांटिटी बना लेंगे यानी कि इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा निकल के, ये आएगा आपका 48। टोटल अपने मान लेते हैं 48 यूनिट की आपकी टैंकी, तो जो 48 यूनिट की टैंकी है तो ये एक घंटे में कितने यूनिट भरता है आपका, 6 यूनिट। ये एक घंटे में पाइप वन है जो 6 यूनिट भर रही है आपकी। इसी प्रकार इसका देखेंगे एलसीएम के हिसाब से, ये 3 यूनिट भरेगा और ये जो आपका ये 2 यूनिट खाली करेगा, यानी कि ये दोनों तो प्लस कर रहे हैं, ये एक घंटे में 6 यूनिट भर रहा है, ये एक घंटे में 3 यूनिट भर रहा है और ये एक घंटे में 2 यूनिट खाली कर रहा है। तीनों एक साथ चला दी तो एक घंटे में क्या केस आएगा आपका, 6 यूनिट इसने भर दी, 3 यूनिट इसने भर दी, यानी कि टोटल 9 यूनिट आपके प्लस हो गए टैंकी में। 9 यूनिट में से अब 2 यूनिट इसने खाली कर दिए उसी एक घंटे के दरमियान, 2 यूनिट जब खाली हो गए तो पीछे आपका क्या बच गया, 7 यूनिट, 7 यूनिट बच गया आपका। तो इस 7 यूनिट को भरने में 7 यूनिट जब एक घंटे में भरा जा रहा है तो 48 यूनिट कितने घंटे में भरा जाएगा, 48/7 कर देंगे अपने तो ये जाएगा आपका 6/6 = 6/7 घंटे में, यानी कि 6/6 = 7 घंटे में ये टैंक को कंप्लीट भर देगा। तो इस प्रकार अपने इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसी क्रम में देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक पाइप टैंक को 8 घंटे में भर सकती है तथा दूसरी पाइप 5 घंटे में खाली कर सकती है। अगर दोनों पाइप एक साथ चला दी जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा अगर टैंक का 3/4 भाग भरा हुआ हो। तो सबसे पहले देखते हैं अपने पाइप के वन में क्या हो रहा है, 8 घंटे में इसको भर रही है और पाइप टू इसको 5 घंटे में खाली कर रही है, 5 घंटे में खाली कर रही है, इसका मतलब टैंक कभी भरा तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये इसको तुरंत खाली कर रही है अगर दोनों एक साथ चला दी जाए। इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका 40 और ये भरेगा आपका 5 यूनिट और ये खाली करेगा 8 यूनिट, 5 यूनिट भरा जाएगा हर घंटे और 8 यूनिट खाली करा जाएगा, इसका मतलब हर घंटे 3 यूनिट एक्स्ट्रा खाली हो रहा है। तो इस कंप्लीट को खाली होने में कितना समय लगेगा, 40/3 ये तो लगेगा इस कंप्लीट टैंक को खाली होने में समय। और अब देखते हैं अपना क्या बोल रहा है, 3/4 भाग भरा हुआ है तो इस 3/4 भाग को लगेगा आपका 10 घंटे का समय, तो आपका आंसर आ गया 10 घंटे। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपको टैंक का 3/4 भाग भरा हुआ दिया हो या आधा टैंक भरा हुआ है या कुछ भी भरा हुआ है, उस प्रकार क्वेश्चन को अपने इस तरह डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन। तो अपना अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, अगर 3 पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं और अगर ए लगातार खुली रहे, जो पहली पाइप है उसमें से ए आपकी ये है, ये बी और ये सी, ए पाइप है जो वो लगातार खुली रहे और जो बी और सी है ये 3-3 घंटे के लिए खोली जाए, मतलब ये भी 3 घंटे चला दी और ये भी 3 घंटे चला दी उसके बाद इनको बंद कर दिया, तो ए है जो वो कितने घंटे में भरेगा उस बाकी पार्ट को, ये 3-3 घंटे भरने के बाद जो पार्ट बचेगा उसको ए कितने घंटे में भरेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को अपने देखते हैं, आपको दिया गया है ए बी और सी 3 पाइप है, ये एक 10 घंटे में, एक 12 घंटे में और एक 20 घंटे में टैंक को भर रहे हैं। तो अपने एक क्वांटिटी मान लेते हैं, जैसे इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा इनका 120, तो टोटल मान लिया टंकी की 120 यूनिट है क्वांटिटी। अब आपको ये हर घंटे में कितने यूनिट भर रहे हैं, ये भरेगा आपका 12 यूनिट, ये भरेगा 10 यूनिट और ये भरेगा 6 यूनिट, ए भर रहा है 12 यूनिट, बी भर रहा है 10 यूनिट और सी भर रहा है 6 यूनिट। अब आपको बोला गया क्वेश्चन में
बी और सी तीन तीन घंटे के लिए चला दी गई। बी है जो 3 घंटे चलाई, 1 घंटे में 10 यूनिट भर रहा है, तो ये 3 घंटे में कितने यूनिट भर देगा? 30 यूनिट। उसी प्रकार सी को भी 3 घंटे चलाई, तो ये 1 घंटे में 6 यूनिट भर रहा है, तो 3 घंटे में कितना भर देगा? 18 यूनिट। अब ये दोनों मिलकर इस टंकी का 48 यूनिट पार्ट है जो कंप्लीट भर चुके हैं। इन दोनों ने 48 यूनिट भर दिया 3-3 घंटे कार्य करके। जब 120 में से 48 यूनिट आपका भरा गया, टोटल 120 यूनिट में से 48 यूनिट इन दोनों ने 3-3 घंटे कार्य करके इसको भर दिया, तो पीछे आपका क्या बचेगा? ये बचेगा, तो पीछे आपका क्या बचेगा? 72 यूनिट्स। 72 यूनिट्स है जो पीछे बच गया, वो सिर्फ ए भरेगा आपका। तो 72 यूनिट्स को ए भरने में कितना समय लगेगा? क्योंकि ये 1 घंटे में 12 यूनिट भर रहा है, तो 72 यूनिट कितने घंटे में भरेगा? 72/6 घंटे में ए को लगेंगे 6 घंटे इस बचे हुए पार्ट को भरने में। तो ये आपका आ गया आंसर। इस प्रकार आप एक लाइन में सिर्फ एक तरीके से इस सब के आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं पाइप एंड सिस्टर्न के। अब देखते हैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन। तो अपना ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया? 2 पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 24 घंटे व 48 घंटे में भर सकते हैं। अगर दोनों पाइप बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोली जाए तो टैंक कितने समय में भरा जाएगा? तो इसको करते हैं अपने सोल्व। आपको 2 पाइप दी गई है ए और बी, एक 24 घंटे में भर रहा है और एक 48 घंटे में। तो दोनों का अपने डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, ये आपका 48, ये आएगा 2 यूनिट और ये आएगा 1 यूनिट। यानी कि जो ए है वो 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहा है और बी है वो 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले 1 घंटे इसको चलाया गया, उसके बाद इसको ए को बंद कर दिया गया, उसके बाद 1 घंटे के लिए इसको चलाया गया, फिर इसको बंद कर दिया गया। इस प्रकार 1-1 घंटे के गैप के बाद इन दोनों को चलाया जाता है। इन दोनों को जब चलाया जाता है मतलब क्या होगा? पहले घंटे में ये भरेगा 2 यूनिट, दूसरे घंटे में ये भरेगा 1 यूनिट। मतलब अगर दोनों 2 घंटे का आपने देखते हैं तो दोनों मिलकर 2 घंटे में भर देंगे आपका 3 यूनिट टंकी का पार्ट। 3 यूनिट कितने घंटे में? 2 घंटे में। जब 3 यूनिट 2 घंटे में भरा जा रहा है तो 48 यूनिट कितने घंटे में भरा जाएगा? तो सबसे पहले अपने नॉर्मल इसको निकाल लेंगे, 48 यूनिट भरने में इसको कितना समय लगेगा? दोनों का एक साथ मिलकर ये 48 यूनिट कितने घंटे में भरेंगे? यानी कि 16 घंटे में दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो इसको भर सकते हैं 16 घंटे में 48 यूनिट को। अब ये हर 2 घंटे में 3 यूनिट भरा जा रहा है, इसका मतलब 16 को अपने डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई, यानी 32 घंटे में। अगर ये दोनों 1-1 घंटे के 1 घंटे पहले ए ने काम किया, फिर 1 घंटे बी ने, इस प्रकार अगर ये कार्य करते हैं तो टैंक आपका भरा जाएगा 32 घंटे में। तो अब देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन। तो अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट व 10 मिनट में भर सकते हैं। तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद किया जाएगी टैंक 11 मिनट में भर जाए? तो इस क्वेश्चन को अपने कैसे सोल्व करेंगे? तरीका अपना सेम रहेगा। तो ए और बी 2 पाइप आपकी, एक भर रही है 12 मिनट में, दूसरी इसको भर रही है 10 मिनट में। तो दोनों का अपना एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60, तो ये आएगा 5 और ये आएगा 6। यानी 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगा और ये 1 घंटे में 6 यूनिट भरेगा। अब आपको क्या दिया गया? टैंक को कंप्लीट 11 मिनट में भरना है, अपने को 11 मिनट में भरना है और बी को बंद करना है। बी को कब बंद किया जाएगी टैंक 11 मिनट में भर जाए? तो 11 मिनट का आपने को जो कॉन्सेप्ट दे दिया उसका मतलब है जो ए पाइप है वो तो कंटिन्यू 11 मिनट चलेगी। ए पाइप 11 मिनट चलेगी तो एक मिनट में ये 5 यूनिट भर रही है, तो 11 मिनट में कितने यूनिट भर देगी? 11 × 5 यानी 55 यूनिट। 55 यूनिट ये 11 मिनट में भर चुकी होगी ए पाइप। तो पीछे जो बचेगा जितना भी पार्टीशन वो सब बी को भरना है और उसके बाद इसको बंद कर देना है। तो टोटल है अपनी 60 यूनिट। 60 यूनिट में से 55 यूनिट अपने माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा 5 यूनिट आपका। तो ये जो सिर्फ 5 यूनिट है ये सिर्फ बी को भरना है। ये 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है, तो इसको 5 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 5/6। इसको अपने सोल्व करेंगे, 5/6 मिनट आ गया। मिनट अपने ये आनिस्ता इसको सेकंड्स में कर लो, चाहे आप अगर सेकंड्स में आंसर निकालना चाहो तो ये आ जाएगा 50 सेकंड। यानी कि बी को अपने 50 सेकंड बाद बंद कर देंगे तब ये आपकी टैंकी है जो 11 मिनट में कंप्लीट भरी जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने ऐसे सोल्व कर सकते हैं सिर्फ एक वे से। अब देखते हैं अपने इसमें अगला क्वेश्चन।
तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, अगर दो पाइप एक साथ एक टैंक को 10 घंटे में भर सकती है और इनमें से एक पाइप अकेले टैंक को 15 घंटे में खाली 15 घंटे में भर सकती है, तो दूसरी पाइप अकेले इस टैंक को कितने घंटे में भरेगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को अपने कैसे सोल्व करेंगे, आपको दिया गया दो पाइप एक साथ मिलकर 10 घंटे में भर सकती है, तो अपने पाइपों का मान लेते हैं ए और बी, तो ए प्लस बी दोनों पाइप मिलकर इस टैंक को भर रही है 10 घंटे में, ये दोनों मिलकर इस टैंक को 10 घंटे में भर रही है, और एक पाइप अकेले इस टैंक को 15 घंटे में भर रही है, यानी कि ए को मान लेते हैं ये 15 घंटे में इस टैंक को भर रही है, दोनों मिलकर 10 घंटे में और एक अकेला इसको 15 घंटे में, तो अपने टैंकी के यूनिट्स बना लेते हैं 30 यूनिट, ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में भरेंगे 3 यूनिट, और ए अकेला भरेगा इसमें 1 घंटे में 2 यूनिट, दोनों मिलकर 1 घंटे में भर रहे हैं 3 यूनिट, सिर्फ अकेला ए भर रहे हैं 2 यूनिट, तो बी का निकलना आसान होगा, 3 यूनिट ये दोनों भर रहे हैं, 3 में से 2 माइनस करिए यानी कि 1 यूनिट, तो बी भरेगा आपका 1 घंटे में 1 यूनिट, बी 1 घंटे में जब 1 यूनिट भर रहा है तो इसको 30 यूनिट कंप्लीट भरने में कितने घंटे लगेंगे, ओब्वियसली 30 घंटे, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 घंटे, तो बी इस पूरे टैंक को भरने में लेगा आपका 30 घंटे का समय। इस प्रकार अपने इसको सोल्व कर लेंगे, डायरेक्ट इनको माइनस किया जो 1 यूनिट आया उसको अपने 30 यूनिट का टाइम निकाल लिया यानी कि 30 घंटे। अब देखते हैं इसके अंदर अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए बी सी क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, अगर ए 3 घंटे के बाद बी 4 घंटे के बाद काम बंद कर दे यानी कि टैंक भरना बंद कर दे तो सी कितने समय में बचे हुए टैंक को भरेगा। तो इस क्वेश्चन को अपने कैसे सोल्व करेंगे, देखते हैं, अपने क्वेश्चन में आपको दिया गया ए इस टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, बी इस टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और सी इस टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, तीनों का आपको समय दिया गया 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे। अब इन तीनों का आपने एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 60 यानी कि टोटल बन गया अपने 60 यूनिट्स। अब ये जो ए है वो 1 घंटे में कितने यूनिट भरेगा, ये भरेगा 6 यूनिट और बी 5 यूनिट और सी 4 यूनिट, इनका एलसीएम ले लेंगे अपने डायरेक्ट निकाल लेंगे, ए भरेगा 6 यूनिट, बी भरेगा 5 यूनिट और सी भरेगा 4 यूनिट एक एक घंटे में, 1 घंटे का सबका आ गया यूनिट्स। अब अपने को क्या निकालना है, ए 3 घंटे के बाद तथा बी 4 घंटे के बाद कार्य बंद कर दे, यानी कि ए ने 3 घंटे कार्य किया 1 घंटे में 6 यूनिट, तो 3 घंटे में कितने यूनिट भरेगा, ये 18 यूनिट्स, 1 घंटे में जो 6 यूनिट भर रहा है तो 3 घंटे कार्य किया तो 3 घंटे में भरेगा ये 18 यूनिट्स। अब आपको दिया गया और बी 4 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, बी 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है तो 4 घंटे में भरेगा ये 20 यूनिट्स, इन दोनों ने काम किया तो इन दोनों ने काम को कितना कम्प्लीट किया, 38 यूनिट इन दोनों ने भर दिया, टोटल है 60 यूनिट, 60 में से 38 यूनिट ये दोनों भर चुके हैं, तो 60 में से 38 को अपने माइनस कर लेंगे, पीछे बचेगा आपका 22 यूनिट, तो इस 22 यूनिट को सी है भरने में कितना समय लेगा ये आपको निकालना है, सी है जो 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहे हैं तो 22 यूनिट इसको भरना है, 22 यूनिट भरने में कितना समय लेगा, 1 घंटे में भर रहा है 4 यूनिट, ठीक है, तो अब आपको निकालना है 22 यूनिट भरने में कितना समय लेगा, तो 22 यूनिट निकालने के लिए 22/4 अपने कर देंगे, तो ये बचेगा 5/1/2 घंटे, यानी कि 5.5 घंटे लेगा बी सी इस बचे हुए पार्ट को भरने में, टोटल इसको टाइम लगेगा 5.5 घंटे। अब देखते हैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 3 पाइप ए बी व सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं तथा ए बी मिलकर इसको 8 घंटे में भर सकते हैं, तो सी अकेले इस टैंक को कितने घंटे में भरेगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे अपने, इसको सोल्व करने के लिए देखते हैं, हमने 3 पाइप दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस टैंक को भर रहे हैं 6 घंटे में, ठीक है, और ए बी मिलकर इसको भर रहे हैं 8 घंटे में, ए प्लस बी मिलकर इस टैंक को भर रहे हैं 8 घंटे में, ये भर रहा है 6 घंटे में और ये भर रहे हैं 8 घंटे में, तो टोटल अपने यूनिट्स यहाँ से निकाल लेंगे, टोटल कितने यूनिट निकल कर आएंगे, ये जाएगा आपका 24, ये आ जाएगा 4 यूनिट्स और ये आ जाएगा 3 यूनिट्स, यानी कि तीनों मिलकर 1 घंटे में भर रहे हैं 4 यूनिट और दोनों मिलकर इसको भर रहे हैं 3 यूनिट, ए और बी जब 3 यूनिट भर रहा है और ए प्लस बी प्लस सी 4 यूनिट भर रहे हैं, तो अपने को निकालना क्या है, सी अकेले इस टैंक को कितने घंटे में भरेगा,
तो ए बी सी आपको दिया गया, इसमें से ए प्लस बी को माइनस कर लेंगे, ए प्लस बी इसमें से माइनस किया तो पीछे बचेगा सी, और इधर से इसको माइनस किया तो बचेगा एक यूनिट, यानी कि सी भरेगा एक घंटे में, सी भरेगा एक घंटे में एक यूनिट। सी जब एक घंटे में एक यूनिट भरता है तो 24 यूनिट भरने में उसको कितना समय लगेगा, 24/1 यानी 24/1 यानी 24 घंटे। तो सी को लगेंगे इसको भरने में 24 घंटे, सी जब अकेले इस टैंक को भरेगा तो उसको इसको भरने में लगेंगे 24 घंटे। अब देखते हैं इसमें आज का लास्ट क्वेश्चन, तो अपने ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक टैंक में लीकेज के कारण टैंकी 8 घंटे में खाली होती है, एक नल टैंक में लगाया जाता है जो 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालता है, उसके बाद टैंकी 12 घंटे में खाली होती है, तो टैंकी की क्षमता कितनी है। तो इस क्वेश्चन को अपने कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखते हैं आपको क्या दिया गया है, 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रहा है एक टैंक के अंदर, जब 1 मिनट में 6 लीटर पानी आ रहा है तो 1 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट्स, तो 60 मिनट में 6 लीटर के हिसाब से 1 घंटे में पानी आएगा 360 लीटर। 1 घंटे में ये जो पाइप है 360 लीटर पानी इसमें डालेगी। अब देखते हैं आपको क्या दिया गया है, लीकेज के कारण 8 घंटे में खाली होती है, और उसके बाद में जब ये पाइप लगाया गया जो 1 घंटे में 360 लीटर पानी डाल रहा है तो 12 घंटे में खाली हो रही है, डिफरेंस कितना आ गया 12 और 8 में 4 घंटे का, यानी कि वो 4 घंटे का जो लीकेज है वो 12 घंटे में खाली हो रही है उसके बराबर होगा, 12 घंटे में टैंकी खाली हो रही है, यानी 12 घंटे में कितना भरेगा पहले वो देखते हैं अपने। तो 12 घंटे में ये भरेगा कितना, 12 घंटे में भरेगा ये, 1 घंटे में भरता है 360 लीटर तो 12 घंटे में भरेगा ये 4320 लीटर, 12 घंटे में भरेगा 4320 लीटर। तो जो 4 घंटे में लीकेज होगा वो होगा 4320 लीटर, तो ये बोल रहा है 8 घंटे में खाली हो रही है, तो 8 घंटे में यानी दोगुना हो गया, 4 का दोगुना 8 तो इसका भी दोगुना, इसका दोगुना करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 8640 लीटर, यानी टोटल जो टैंकी की क्षमता है वो है 8640 लीटर। इस प्रकार अपने इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक्स और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप देखते रहिए और सीखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप। थैंक यू।